वाह! मैं यहाँ पे इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पे उनको चेयर कर रहे हो? अरे रे 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 रे, क्या हुआ गर्वित बेटा? देखो ना, क्या हो गया? मैं इतनी ताकत से पुशअप्स कर रहा हूँ और ये लोग उनको चेयर कर रहे हैं। ये लोग उनको चेयर कर रहे थे? तुम्हें पता है उनको चेयर क्यों कर रहे थे? उनके डोले शोले देखे है तुमने? तुम्हें पता है डोले शोले क्या होते हैं? हाँ। क्या होते हैं? मसल्स। दिखाओ जरा भाई, गर्वित को दिखाओ तुम्हारे मसल। मेरे भी तो है। अरे गर्वित के ज्यादा हैं। ये मेरे भी तो निकलता है। क्या निकलता है? कैमरा का तो बताओ, ये देखो ये निकल रही है। बेटा जब तुम खाते हो ना सुबह, तुम्हारी एक ही चीज निकलती है। तुम्हें पता है इनकी तरह अगर तुम्हें बॉडी चाहिए ना, तो तुम्हें बिस्किट वाले, मतलब आटे के बिस्किट खाने पड़ेंगे, मैदे के नहीं, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ज्यादा आटा आटा मत कीजिए, आटा मजी से तकली। चलो अर्जुन भैया, शो शुरू करो। ओके, कर रहा हूँ, आप प्लीज अपने, हाँ, दो हैंडसम हंक्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज अगर देश की 65 करोड़ महिलाएं टेलीविजन को अपने लिपस्टिक से भर दें या टेलीविजन सेट के अंदर घुस जाएं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ब्लेम इट ऑन दीज टू वेरी हैंडसम बॉयज ऑफ टेलीविजन, जो रहते हैं लड़कियों के दिल में हमेशा, और जिससे लड़कियां गाती है ला 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 ला। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ शुक्ला, और वो जिसके पास है एक मैजिकल बीन, जिसे प्यार करती है सारी नागिन, टेलीविजन चॉकलेट बॉय पाल पूरी। ये अपने किचन कंपेनियंस के साथ भी आए, और आज दोनों के साथ बतौर किचन कंपेनियन आ रही हैं इनकी लाइफ लाइन्स, इनकी सपोर्ट सिस्टम्स, इनकी बहनें नीतू शुक्ला एंड रीटा पूरी। पर्ल आज अपनी बहन के साथ आए, और मैं आप सबको बता दूं कि इनकी बहन स्पेशली किचन चैंपियन के लिए ऑल द वे आगरा से आई है, करेक्ट? तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पर्ल, आप कहाँ, मतलब कहाँ पैदा हुए थे? मैं पैदा हुआ था छिंदवाड़ा में, दैट इज इन मध्य प्रदेश। बाकी का टाइम आगरा में निकाला आफ्टर 8th। समुंदर के आसपास नहीं पैदा हुए थे आप? हाँ, मैं समुंदर के अंदर ही पैदा हुआ था बेसिकली, जो बोलूं। हाँ, लेकिन ये बहुत गलत, आपकी बहन को अजीब नहीं लगता आपका नाम पर्ल रखा, उनका नाम सोना चांदी पीतल तांबा, ऐसा आसपास भी नहीं है, भेदभाव क्यों हुआ है? प्रेशियस एक ही होता है। प्रेशियस एक ही होता है, अरे भाई। सिद्धार्थ ने बचपन में ऐसा क्या खाया जो ये ऐसे लंबे चौड़े हट्टे खट्टे, मतलब हर जगह से मसल ही दिख रहे हैं? लंबा होना तो शायद, खैर हमारी खानदानी बीमारी लगती है। नहीं, ये तो बीमारी नहीं, मुझे तो लग रहा है खासियत है आपकी। और खाने में क्या खाया है इसने? एक्चुअली सिद्धार्थ को सिर्फ इंडियन खाना और बहुत सिंपल फूड पसंद है, उसको ज्यादा स्पाइसी या वेस्टर्न या कॉन्टिनेंटल इतना पसंद नहीं, उसको दाल चावल दे दो वो खुश रहेगा लाइफ में। ये दाल चावल खाकर हुआ है? Can you imagine, दाल चावल खाके ऐसा हुआ, अच्छा हुआ और कुछ नहीं खाया उसने। इस दुनिया में 5 चीजों को कभी मिस ना करे, माँ का खाना, पापा का फोन कॉल, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, GST भरने की तारीख और सुबह का नाश्ता। इसीलिए हमारा पहला राउंड भी है नाश्ता का वास्ता। इस राउंड में आपको दिए जाएंगे 15 मिनट, और आपको बहुत ही लज्जतदार, इज्जतदार, कमाल का नाश्ता बनाना है हमारे जजेस के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जनरली आजकल बहुत डाइट पे हूँ, तो प्रोटीन स्कूप, प्रोटीन शेक, प्रोटीन आइसक्रीम, सारी दालें जिनमें प्रोटीन होता है, तो हर एक वो चीज जिसमें प्रोटीन होता है वो सब कुछ खाता हूँ। प्रोटीन खाते रहो। हाँ जी। बनाने क्या वाले हो आज आप? मशरूम चीज आलू चीला बनाने वाला हूँ। ये 6-7 चीज एक साथ बना रहे हैं आप? हाँ। भाई प्रोटीन के शौकीन है, हर चीज में इनको प्रोटीन नजर आता है। सिद्धार्थ जी, नीतू, आज आप क्या बनाएंगे? हम कॉर्नफ्लेक्स की भेल बनाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स की भेल? यस। ओके, तो एज यूजुअल ही विल बी माय गिनी पिग, वो टेस्ट करेंगे और बताएंगे अच्छा है कि नहीं। राइट। इन्होंने अप्रूव किया तो हम वहां सर्व करेंगे। हम नाश्ता का वास्ता शुरू करते हैं, इन्हें काउंटडाउन दे दें। yeah!
चलो 3, 2, 1 गो। अपने वर्क स्टेशन पे जा सकते हैं। हाँ, ये आप कॉन्फिडेंस क्यों बना रही हैं? क्योंकि सिद्धार्थ बचपन में बहुत फ्लेक्स करता रहता था। ये वो क्या है कि मुझे बचपन से हर एक चीज ना जिसमें फ्लेक्स का फ्लेक्स हो ना वो मुझे बहुत पसंद थी। देखिए इन्होंने जिप भी लगाई है। धनिया नहीं, नहीं। चलो थोड़ा थोड़ा धनिया डाल दे। थोड़ा थोड़ा। ऐसी कोई यार ये सब भेल पूरी पानी पूरी ऑल द जंक फूड आई लव इट देयर। और मैं हमेशा पाव भाजी, पाव भाजी मुझे याद है। हम टाउन में वो सरदार राइट पाव भाजी। मैं और सरदार बहुत पुराने दोस्त थे। हम लोग जब साथ में एक मतलब बहुत स्ट्रगल किया हमने ऐसे बैठे रहते मॉडलिंग मॉडलिंग करते थे। ऑडिशन के लिए तब ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो आपने कभी मारा है क्या सिद्धार्थ को बचपन? बहुत बहुत। अरे एकदम दोनों ने बहुत एक साथ बोला। ट्यूशन्स लेता था जब वो 9th स्टैंडर्ड में था, मतलब इतना बड़ा हो गया था, मराठी के ट्यूशन्स लेता था। हमें लगता था हर रोज जा रहा है बेचारा बुक्स लेके पढ़ने जा रहा है बेचारा। फिर 4 दिन बाद उसकी टीचर मम्मी को मिलती थी नीचे बिल्डिंग में, तो बोलती थी सिद्धार्थ की तबीयत कब ठीक होगी? 4 दिन हो गए अभी तक आया नहीं। तब हमें पता चलता था कि वो नीचे खेल रहा है और उसने बिल्कुल ट्यूशन पे गया ही नहीं एक भी दिन। 3 है। हाँ, 3 चम्मच एक और। और ये है क्या? बेसन, बेसन का आटा। ओके, 3 चम्मच बेसन का हम आटा। इसमें डालेंगे ग्रेटेड पोटैटोस, ग्रेटेड पोटैटोस जिसका हमने पानी निचोड़ लिया, थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत कम के बच्चे हैं। और पर्ल तुम मुझे बताओ वहाँ क्या देख रहे हो कि तुम्हें हमेशा से बनना क्या था? एक्टर बनना था? नहीं यार, एक्टर बनने का कोई सीन नहीं था इनिशियली। व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड तभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसको चाहिए था कि मैं एक्टर बनूं। लेट इट गेट रोस्टेड लिटिल। ओके, विल पुट अनियन। हां, इसमें मिर्ची डाली। हाँ, प्लीज कुक करते हैं अभी। ये क्या मशरूम्स हैं? इसमें मशरूम्स डाले हैं हमने। और इसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट। फिर आप क्या डाल रही हैं अभी इसमें? हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, थोड़ा सा दूध और बहुत सारा चीज और ग्रेटेड चीज। ओके, हाँ बेटा पहले खाना पड़ेगा, उसके लिए तो इनको आपको खिलाना पड़ेगा। yes. ओके, तो खिला आप मुझे खिलाओ। पहले मैं आपको ठीक है, दोनों को एक एक करके प्लीज पर्ल इन्हें खिलाइए। तो पहले कौन खाएगा ये? एक साथ लाओ खिलाओ। वाह, चीला अच्छा लगा। बहुत ज्यादा पोटैटो डाले हैं क्या? हाँ जी, मुझे पोटैटो ज्यादातर अच्छे नहीं लगते। आई लाइक भेल। यू लाइक भेल? भेल पूरी खा रहा था। सबसे पहले परी को खिला रहे हैं। हाँ, परी लो, क्योंकि परी इधर खड़ी हुई है। आप मुझे प्रोमिनेंट के साथ देना। प्रोमिनेंट मेरी बारी है। मैं आई स्टैंड इधर। आई स्टैंड इधर। ओके, मैं ये स्माइली बॉल देना चाहूंगी इनको। थैंक यू। इनको क्योंकि, हाँ क्योंकि, क्योंकि जो कॉर्नफ्लेक्स था ना जी, मुझे ना कॉर्नफ्लेक्स अच्छा नहीं लगता था। हाँ। और आज मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाया तो मैं उसकी दीवानी होगी कि ये सच्ची में कॉर्नफ्लेक्स ही खा रही हूँ। और आपने इसमें प्रोमिगेंट भी डाला था। हाँ। और ये ज्यादा क्रिस्पी भी था, राइट, क्रंची क्रंची भी था, तो इसलिए मैंने आपको स्माइली बॉल दी। और जो ये था इसमें आपने कोरिएंडर लीव डाला था ना, मुझे ज्यादातर कोरिएंडर लीव अच्छा नहीं लगता। इन्होंने भी डाला था लेकिन पता नहीं चला था इन्होंने कोरिएंडर लीव। और मेरी बात, अब मेरी बात, अरे एक बार बोल मेरी भैंस कब दे रहा है तू? स्माइली बॉल देना चाहूंगा इनको क्योंकि I love chilla and I love the I love coriander leaf. I love vegetables. My vegetables with it. And I love sauce and chutney.